खोपड़ी की नसें खुल गई है सारी, आँख में से आंसू बहे जा रहे हैं। बस कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए मेरे को। अब तैयार हो रही है अपन की गर्लफ्रेंड चाट, और अब चाट पहले बनती कैसे है पहले ये देखिए, फिर इसके बाद खाएंगे कैसे वो देखते हैं, और इसका रेस्पॉन्स क्या होता है फिर वो देखते हैं। ये कटोरी मैदे की, ये इमली और खजूर का चटनी, ये कश्मीरी मसाला, ये जीरा, ये चाट मसाला, काला नमक, हरी मिर्च। ये तैयार हो रही है गर्लफ्रेंड चाट, प्याज, फिर से इमली की चटनी, ये नमकीन। ये सर गर्लफ्रेंड चाट। अब ना आप ये बताओ इसको गर्लफ्रेंड चाट क्यों बोलते हैं? ये फुल स्पाइसी होती है ना सर, लड़कियां स्पाइसी ज़्यादा खाती थी यहाँ, इसलिए इसके नाम गर्लफ्रेंड चाट रख दिया। तो ये लड़कियों की पसंद है? ये लड़कियों की पहली पसंद, फुल स्पाइसी खाती थी। अच्छा, यहाँ पे सब लड़कियां स्पाइसी खाती है। अच्छा, पहले गर्लफ्रेंड चाट ही मांगते फिर भेलपुड़ी फाफड़ा। अच्छा, ये हम झेल जाएंगे क्या? बिल्कुल आराम से, आपके हिसाब से ही बनाया। चलो देखते यूट्यूब पे। तो इसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड चाट, और ये गर्लफ्रेंड चाट आपको मिलती है जोधपुर के शास्त्री सर्कल पे, कन्हैया चाट भंडार। और जब मैंने पूछा कि इसको गर्लफ्रेंड चाट क्यों बोलते हैं, तो इन्होंने कहा जोधपुर की लड़कियां हैं वो बहुत तीखा खाना पसंद करती हैं। दूसरा ये कि ये चाट गर्लफ्रेंड की तरह इसलिए क्योंकि गर्लफ्रेंड की तरह पहले ये चाट आपको मीठा मीठा लगेगा, बाद में जब ये आपको मिर्ची का झटका देगी इसीलिए इसको गर्लफ्रेंड चाट बोला जाता है। मतलब जो इसका नेचर है इस चाट का वो गर्लफ्रेंड जैसा है, देखते हैं खा के कैसा है। और इन्होंने बोला ये पूरा एक ही बार में मुंह में जाना चाहिए, आधा आधा नहीं खाना है। लेट्स ट्राई। आंख में आंसू आ गए भाई साहब। गर्लफ्रेंड चाट, गर्लफ्रेंड चाट। लोगों को भी पता है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और अभी तो एक ही खाइए बस, और दूसरा नंबर मेरा। तो दोस्तों ये है गर्लफ्रेंड चाट, शुरुआत हो चुकी है। एक भाई तो हमारा खेल गया, अब नंबर मेरा। कहते हैं बहुत तीखी होती है, तो अब इसको खाते हैं, चेक करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं गर्लफ्रेंड चाट का। जैसा नाम सुना है वैसा कारनामा भी देख लिया, थोड़ा डर लग रहा, लेकिन खाना है चैलेंज। देख लो भैया, आप भी देख लो, खाओ खाओ, आप भी देख लो, खाओ गर्लफ्रेंड चाट खाओ। जय श्री राम। अभी तो मीठी मीठी लग रही होगी, नई नई गर्लफ्रेंड की तरह। उड़ा दिए भाई साहब, तोते उड़ा दिए इसने। कौन सी मिर्ची डाली है इसने? अनएक्सपेक्टेड। अभी से चेहरी खाने रुको तो सही तो हमने। आग में आंसू आ गए। हो गया भाई साहब, नहीं चाहिए ऐसी गर्लफ्रेंड। कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए मेरे को। खोपड़ी की नसें खुल गई है सारी, आँख में से आंसू बहे जा रहे हैं। बस ये खा रहा हूँ सोफ्टी मीठी वाली। ये सोफ्टी खा रहे हैं? ये सोफ्टी भी देखो इसलिए दी जाती है ताकि आपके आंसू रुक जाए। अभी भी दिमाग ठिकाने पे नहीं आया हुआ, ये गर्लफ्रेंड चाट ने ऐसी सत्यानाश कर दिया, पूरा दिमाग का भेजा फ्राई हो चुका है। और मुझे तो लगता है कि किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना तो उसको ला के ऐसी चाट खिलानी चाहिए, पूरा मुंह का पूरा दिमाग आँख नाक सब किल, 10 मिनट के लिए तो बिल्कुल किल हो जाता है, तड़प जाता है आदमी, पूरी सर्दी भाग गई है। वाकई में बहुत शानदार, बहुत शानदार, मज़ा आ गया एक्सपीरियंस करके।
हाँ जी सर, यहाँ की गर्लफ्रेंड चाट प्रसिद्ध है एकदम। यहाँ जो तिक्का खाने वाले हैं वो ही पसंद करते हैं, वो शर्तों पे खाते हैं, एकदम फुल स्पाइसी होता है। जो तिक्का पसंद करते हैं वही खाते हैं। और यहाँ की गुजराती फाफड़ा चाट फेमस है, ये मारवाड़ी पपड़ी चाट फेमस है, भेलपुड़ी प्रसिद्ध है, कटोरी चाट है। और तिक्का खाना हो एकदम फुल स्पाइसी, गर्लफ्रेंड चाट खाना हो आप। मार्केट का टाइमिंग क्या है? मार्केट का टाइमिंग है दोपहर 2 से रात को 8 बजे तक। मतलब शाम को ही स्टार्ट होता होगा ना? शाम को ही स्टार्ट होता है। तो कितने बजे स्टार्ट होता है मार्केट? मार्केट तो शाम को 6 बजे से लगता है। 6 बजे से? 6 बजे से रात को 11 बजे चलता है, लेकिन कोरोना की वजह से पुलिस वाला भगा देता है 10 बजे। तो 10 बजे तक ये चलता है ना। और जो जो चीज़ें आपने बताई खैर वो फेमस है ही, इसके अलावा अब आपका क्या रिकमेंडेशन है कि हमें और क्या क्या ट्राई करना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर पाव भाजी ट्राई करो आप, सैंडविच ट्राई करो, वड़ा पाव ट्राई करो, और रोल है सामने, रोल का नरगिसी कोफ्ते वाला है कोई, वो अगले ब्लॉक में आंटी पिज्जा के पास उस वाले। चलो जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।